दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 की सेमीफाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है और इंडिया का आखिरी मुकाबला अभी भी खेलना बाकी है। और वो चार टीमें कौन कौन सी है जो सेमीफाइनल में 100% जगह पक्की कर ली है, वहीं कौन कौन सी और टीमें हैं जो सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। अगर टीम इंडिया अपना आखिरी मुकाबला जीती है तो क्या सेमीफाइनल में जगह बना पाएगी, सारी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि कल के दो मुकाबले में जहां पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को हराया तो वही न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हरा कर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। ग्रुप टू की जो दो फाइनलिस्ट टीम है उनमें पहली टीम पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा मैच इस साल जीती, यानी कि 5 के 5 मुकाबला पाकिस्तान ने जीता। जहां इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट है तो वहीं पॉइंट टेबल में ये टीम टॉप पर बनी हुई है। अभी ये टीम जो सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने वाली है। वहीं दूसरी जो टीम सेमीफाइनल में पहुंची है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड कल के मुकाबले में जीतने के बाद जहां अफगानिस्तान को इस टीम ने हरा दिया और टोटल 4 मुकाबला जीत के साथ साथ सेमीफाइनल में भी जगह पक्की कर लिया। इस टीम के पास टोटल 8 पॉइंट है तो नेट अंडेट भी इस टीम का काफी बेहतर है। ये टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लिया और इस टीम का मुकाबला जो रहने वाला है इंग्लैंड के साथ रहने वाला है। 2019 के वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड आमने सामने हुई थी। वही जो टीमें ग्रुप टू से बाहर हो चुकी हैं उनमें पहली टीम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इस साल मात्र 2 ही मुकाबला जीती है। वहीं दूसरी टीम जो सेमीफाइनल से बाहर हुई है वो स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड पॉइंट टेबल में सबसे निचले स्थान पर अपने 5 मैचों में 0 मैच ये टीम जीती है। वहीं पॉइंट टेबल में 5वें स्थान पर नामीबिया टीम है। नामीबिया भी टोटल 4 मैचों में से मात्र 3 मुकाबला हारी है, वहीं 1 में इस टीम ने जीता है। वहीं तीसरे पायदान पर टीम इंडिया, टीम इंडिया भी बाहर हो चुकी है जहाँ 4 मैचों में से 2 ही मैच ये टीम जीत पाई है। वहीं अगर हम ग्रुप वन की बात करें तो ग्रुप वन की जो पहली टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की की है वो इंग्लैंड टीम है। इंग्लैंड टीम का नेट रनरेट भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इस टीम ने टोटल 5 मैचों में 4 मुकाबले जीते हैं और पॉइंट टेबल में पहले नंबर के साथ साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह पूरी तरह से पक्की कर ली है। इस टीम के पास भी टोटल 5 मैचों में 8 पॉइंट है। जहां इस टीम ने 4 मुकाबले जीते तो वहीं 1 मुकाबले हारी है, वहीं पॉइंट टेबल में ये टीम दूसरे नंबर पर और ये दोनों टीमें सेमीफाइनल पूरी तरह से जगह पक्की कर ली है। वहीं साउथ अफ्रीका के पास भी टोटल 8 पॉइंट है लेकिन नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से खराब होने की वजह से ये टीम सेमीफाइनल से कंप्लीटली बाहर हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा हद तक इस टीम का नेट रन रेट अच्छा था। लेकिन अगर जो टीम दूसरी बाहर हुई हो श्रीलंका, श्रीलंका भी पॉइंट टेबल में 4 नंबर पर जरूर है लेकिन टोटल 5 मैचों में से 2 ही मुकाबला जीती है, बाहर हो चुकी है। वहीं अगर हम अगली टीम की बात करें तो वेस्टइंडीज है। वेस्टइंडीज टीम भी काफी बुरी तरह से हारी है और मात्र 5 मैचों में से 1 ही मुकाबला जीती है। वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश पहली ऐसी टीम थी जो सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी थी जहां 5 मैचों में से 1 भी मुकाबला ये टीम ने नहीं जीता और कंप्लीटली सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी है। तो हमें जो टॉप 4 टीमें मिली है, इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड के साथ रहने वाला है तो ही ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आपको पाकिस्तान के साथ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो ग्रुप टू के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर टीम इंडिया, चौथे नंबर पर जो टीम है वो है अफगानिस्तान, 5वें नंबर पर नामीबिया और 6 नंबर पर स्कॉटलैंड शामिल है। वहीं अगर हम ग्रुप वन के पॉइंट टेबल की बात करें तो पहले नंबर पर इंग्लैंड, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका, चौथे नंबर पर श्रीलंका, 5वें नंबर पर वेस्टइंडीज और अब से आखिरी पायदान पर बांग्लादेश टीम शुमार है। तो दोस्तों आपको क्या लगता था कौन सी वो 4 टीमें थी जो प्ले ऑफ में यानी कि सेमीफाइनल में जगह पक्की करने वाली थी, आपका प्रेडिक्शन क्या कह रहा था वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।